मैं जा रही हूँ अलमारी में थोड़ा सा सामान लेने के लिए, क्योंकि घर पे बन रहा है गलगप्पे, पानी पूरी, पता से जो भी कहते हैं जहाँ पर भी, तो वो बन रहे हैं। और देवू में भी मेरे साथ आने के लिए रेडी था, फिर जगुन का नहीं, हम लोग पार्क जा रहे हैं, देवू हमारे साथ, मैं और नाना बैट बॉल खेलेंगे। फिर देवू का ये हुआ कि नहीं, मुझे शॉपिंग करने आना ही नहीं, मैं नाना और नानी जगु दीदी के साथ जाऊँगा पार्क में खेलने के लिए। वो मेरे साथ नहीं आया, उसका दिमाग, वरना वो शॉपिंग कभी भी नहीं छोड़ता है, कह रहा है नहीं मैं नाना नानी के साथ ही जाऊंगा क्रिकेट खेलने जगू दीदी के साथ, इसीलिए वो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अकेले जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। आजकल वो ज़्यादातर नाना नानी के साथ जगू सब लोग मिल के खेलने जाता है, आजकल नहीं जाता है शॉपिंग का अकेले। बस यही है कि सब लोग चले मेरे साथ, क्योंकि सब लोग मिल के खेलते हैं उसके साथ, तो इसीलिए। लेकिन यही है कि अब बस 2 दिन बाद नाना नानी चले जाएंगे उसके, तो फिर देवू बहुत मिस करेगा, क्योंकि हर टाइम दिन में 3-3, 4-4 बार नीचे खेलने के लिए जाते हैं, सुबह चले जाते हैं, दोपहर में कभी कभार 12 बजे तक चले जाते हैं खेलने के लिए। फिर नाना के साथ जब लेने जाते हैं तो उसको ज़बरदस्ती नाना और नानी को अलमाया में लेके जाता है शॉपिंग करवाने के लिए। तो फिर जब जग्गू जाती है तो आती है तो कभी कभार लेने चला जाता है, तो मतलब ये 3-4 बार उसका हो जाता है। फिर शाम को खेलता है नाना नानी के साथ, तो नाना नानी तो मिस करेंगे ही करेंगे बच्चों को, लेकिन ये भी ज़रूर करेंगे दोनों बच्चों मिल के ज़रूर मिस करेंगे उनको भी। तो बस अब 2 दिन है गए, और इस बार 1 महीने से बहुत ही घूम रहे हैं बहुत ही, हफ्ते में 2-2 बार घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो यही कारण है ज़्यादातर बाहर घूमने का, और कुछ कारण नहीं है। हफ्ते में 2 बार बाहर जाना हो जाता है, क्योंकि वो ये होता है ना कि वो लोग आए तो हम लोग उनको घुमाए यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या घूमने जैसा है, तो उनको भी लगे ना दुबई आए थे, ये हमने देखा बुर्ज खलीफा, लामेर, फिर के वो वह सब दिखा दिया, बीच और सब कुछ, पहाड़े भी, इसीलिए ज़्यादातर घूमना होता है। वरना हफ्ते में 1 ही बार हम लोग बच्चों के साथ पार्क में जाते हैं, क्योंकि उनको जाना होता है बच्चों को पार्क में खेलने के लिए, यही कारण था ज़्यादा बाहर घूमने का। लेकिन अब देवू आधा अब तो नाना नानी के साथ जा रहा था, लेकिन 2 दिन के बाद से मेरे साथ ही जाएगा आजकल वो अकेले। उसको यही है कि नाना नानी के साथ दीदी भी जा रही है, सब लोग पता नहीं कहाँ चले जाएंगे खेलने के लिए, इसीलिए आज मेरे कहा शॉपिंग करने के लिए चलो, कह रहे तो नहीं मुझे नहीं आना, तुम जाओ अकेले, मैं बाद में आऊँगा। फिर वीडियो में आपको मैं और डेबू ही जाते हुए दिखेंगे शॉपिंग करने के लिए, अभी तो मैं फ़िलहाल अकेले जा रही हूँ। मैं अलमाया के पहुँच गई हूँ, और डेबू नहीं तो शायद जल्दी शॉपिंग हो जाएगी, जब वरना देव भी पूरा घूमता ही रहता है। जल्दी शॉपिंग हो जाएगी, फिर मैं और देव ही दिखेगी आपको ज़्यादातर। ये देखिए वेजिटेबल्स आ रहे हैं, हमें लेना है संतरा, लेकिन ये वाला जूस वाले नहीं लेने हैं, हमें लेने हैं पाकिस्तानी जो खाने वाले हैं। ये देखिए बड़े बड़े संतरे, लेमन भी बड़े बड़े हैं, लेकिन हमें ये वाला नहीं। और बैंगन के देखिए कितनी सारी वैरायटी है, हमें इंडियन वाले लेमन लेने हैं। और स्वीट कॉर्न्स के ऐसे छोटे छोटे पैकेज मिल जाएंगे। और ये सारा डोसा मिक्स है अलग अलग, ये है रोटी, पराठे, बस तवे पे गरम करना। ये देखिए गल का वाल जो भी हम लोग बोलते हैं, वटाना, करेला, गाजर, तरोई, मिर्च, गुवार, सेजन, इतनी सारी मिर्चें। और ये देखिए बोर, इंडियन बेर्स जिसको बोलते हैं, आम भी है कच्चे हैं पके हुए, हमें लेने हैं ये। और इसका दाम भी बढ़ गया है, ये 2 दिराम के मिलते थे 95, अब 3 दिराम के हो गए। ये देखिए अभी ऑफर में चल रहा है लिक्विड कपड़े धोने वाला, ये 2 पैकेजिंग मिलेंगे एक साथ, 1 और 2, उसके साथ ये वाला छोटा वाला फ्री ऑफर में चल रहा है, ये भी 2-2 एक के साथ एक, तो कम प्राइस में मिल जाता है ये लेकिन ये वाले ऑफर में नहीं है। ये वाला देखिए इसके साथ एक छोटा वाला दिया गया है, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, कपड़ों में हल्का आधा ढकन रहे डाले बहुत ही अच्छी वाली स्मेल आती है इसमें। ये खुशबू वाला का भी है साथ में, एक के ऊपर एक फ्री। और ये भी देखिए 2 के साथ 1 फ्री, तो ये अच्छा आता है एक साथ ले ले। बस यहाँ से पॉलिथीन तोलो, और जो भी लेना है आपको जिस हिसाब से लेना है उस हिसाब से डालो अपने बैग में, फिर वहाँ पे टैग लगवाना होता है।
और फिर काउंटर में जाना होता है कि आपने कितना किलो लिया है, कितने का है, किलो से कम है या नहीं। देखिए ये टमाटर है पर केजी 4 dirhams की। फिर आपने ज़्यादा लिया कम लिया है इसलिए टैग लगवाना पड़ता है। वो कोकोनट मिलता है 1 dirham 95 का। शॉपिंग हो गई है और मैं डन, जो भी लेना था ले लिया। अब मैं थोड़ी सी हेल्प करके तो आई थी भाभी की। अब तक भाभी ने शायद बहुत सारी तैयारी कर ली होगी, चटनी और सब बना के। जब मैं आई तब पुलिया तल रहे थे, मैंने चने चला दिए थे गैस पे। अब जाके बस पानी बनेगा क्योंकि सारा सामान मेरे पास है, धनिया और लेमन और सब कुछ। और अब जाके अभी हेल्प करते हैं भाभी की। आप सबको तो पता है जब गलगप्पे पतासे बनते हैं, पानी पूरी जब बनती है तो देखो कैसे करता है। तो अगर मैं बनाते वक्त वीडियो बना पाई तो ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी, वरना एंड में जब पूरा फ़ोटो और थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो आप सबके लिए ज़रूर करूँगी। और देबू को तो एकदम खाते वक्त आज बोला, देबू आज बतासे गलगप्पे बन के रहे, गप्पासे गलगप्पे मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे सिर्फ पानी पूरी पतासे अच्छे लगते हैं। मैंने बोला पानी पूरी को ही गलगप्पे बोलते, कह रहे नहीं एक्चुअली गंदे होते हैं, मुझे पसंद नहीं है। फिर कह रहे जब देबू कैसे खाता है, कह रहे ऐसे करके खाता है और फिर पूरे कपड़ों में गिरा देता है, पूरे कपड़े गंदे कर देता है। मैंने कहा ठीक है आज भी गंदे कर लेना, आज भी बनेगा वही। साइकिल चला रहे थे नीचे में मिल गए थे, कह रहे व्हाट्सअप इधर आओ देबू, कह रहा है। तो मैं आप लोग खेलिए, मैं अभी जाती हूँ ऊपर थोड़ी हेल्प करके करा के। तो कह रहे सामान रख के वापस आ जाना नीचे। मैंने कहा ठीक है, सामान लेके आ गई। तो अब मैं और जग्गू भी जा रहे हैं खेलने के लिए और जग्गू अपनी साइकिल लेके जा रही है। दोनों बाद नीचे खेलने के लिए आ रही हूँ, बस वही होता है 5-10 मिनट के लिए आते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं। वो अपना खेलता रहता है, वो छोड़ने तक की बात होती है, छोड़ने आना पड़ता फिर चल खेलने लगता है वो अपने नाना के साथ। तभी जगह की वेट हो रही है, वो जल्द से जल्द आ जाए फिर चलते हैं हम लोग खेलने के लिए। अब हम और देबू ही देखने को मिलेंगे क्योंकि अब नाना नानी चले जाएंगे 2-3 दिन में इंडिया वापस, तो वो लोग बहुत मिस करेंगे बच्चों को। बस 1-2 दिन ही है उनका भी, बहुत ही इंजॉय किया सब लोग, बहुत दुबई घूमे बहुत सारा, रोज़ पार्क लेक की तरफ पार्क में जाना, वॉक पे चलना है 2-2, 3-3 बार, बहुत ही अच्छा लगता था। तब बस जगू का वेट हो रहा है, वो जल्द से जल्द आ जाए फिर चलते हैं हम लोग प्ले एरिया, वहीं अलमाया वाला में वहाँ जाके खेलते हैं। ऐसी हेल्प कर रही थी जैसे कि, तो जग्गू ऊपर आ गई, कह आपने तो बोला था मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी सी करके, आप क्यों नहीं आई, आप चलिए चलिए नीचे। रहेगा मैं तो मम्मा की हेल्प कर रही हूँ, बाद में आएंगे हम, कल से चलेंगे अभी ना नाना के साथ खेलो। कह रहे नहीं आप ही आएंगी तो मुझे ज़बरदस्ती नीचे लेके आई है। तो यहाँ पर थोड़ी देर खेला, रनिंग किया, बैट बॉल खेला देबू ने सा। तो अभी अंकल जी और देबू गए हैं प्ले एरिया में और मैं और जग्गू भी जा रहे हैं। जग्गू अभी ऊपर सामान लेने गई है बैडमिंटन, तो जैसे ही लेके आती है फिर हम दोनों भी चलते हैं प्ले एरिया में, वहाँ जाके चारों खेलेंगे। नाना और देबू अपना खेलेंगे, मैं और जग्गू अपना खेलेंगे। जग्गू एकदम हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती करके आए कि नहीं दीदी आप ही चलो, मुझे आपके साथ खेलना है, आप चलो। और क्योंकि नाना देबू के साथ खेल रहे हैं, मुझे आपके साथ ही खेलना है, आप चलो। मैंने कहा आज नाना के साथ खेल लो, 2 दिन ही नाना है फिर हम चलेंगे। अरे नहीं आप आज चलोगे ही चलोगे। तो अभी ऊपर वो लेने गई हैं बैडमिंटन, तो अभी वो नीचे आज जैसे ही आ जाएगी फिर हम दोनों भी चलते हैं। अभी अंकल जी और देबू चले गए हैं, बस मैं जग्गू का वेट कर रही हूँ, वो जल्द से जल्द आ जाए। हम लोग पहुँच गए प्ले एरिया में, देबू झूला झूलवा रहा है, नाना को बोला दिया बिठा दिया है और हम दोनों अभी खेलेंगे ये वाला। तो देबू अपना झूला झूलने में लगा हुआ है। तो देबू प्लेन चला लिया, अब डक पे बैठ रहा है। देबू डक कैसे करती है, बैट बॉल खेला, बैडमिंटन खेला, बहुत कुछ खेला, बस जाने की तैयारी है घर पे वापस। देबू प्लेन चला के कहाँ जा रहे हो, अरे चोट लग जाएगी, गिर जाओगे तो। कैसे कर रहे हो, ठीक से बैठो। दादी पास लखनऊ जा रहे हो, और दादी को कैसे करोगे, हेलो कैसे करोगे, नमस्ते कैसे करोगे, नमस्ते कैसे करते, क्या नमस्ते कैसे करते बताओ। अरे पैर कैसे छूते हैं, अपने ही छू रहे। पानी देबू, मटर चने डाल दिए, प्याज डाल दिए और पूरी खा लो भाई। देबू खा रहा है, बता बता से पानी पूरी गलगप्पे। देबू क्या बोलता है, गलगप्पे बोलता है। पहले तो देबू कह रहा था मुझे पसंद नहीं है,
अच्छा है, अच्छा अच्छा है, टेस्टी है, यम्मी। नहीं खाना है, पेट भर गया, पेट भर गया, वन खा लो। नहीं खाना है। ओके, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, जय माता जी, केम छो, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू अनदर माय न्यू व्लॉग। देव क्या देख रहे हो? कभी देव जा रहा है स्कूल एकदम रेडी होके, और आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। और पोंगल भी होता है, लोहड़ी भी होती है, जो भी आप यहाँ त्यौहार मनाया जाता है उस सबके आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपके और आपके पूरे परिवार को। तो आज खिचड़ी भी होती है, आज खिचड़ी बनती है घर पे उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन। और कुछ लोग पोंगल होता है, किसी के यहाँ लोहड़ी होती है, तो मुझे नहीं पता कौन किसी के यहाँ क्या बनता है, किसी के यहाँ क्या बनाया। मुझे पता है पोंगल साउथ इंडियन की तरफ बनाया जाता है, लोहड़ी पंजाबी में मनाई जाती है, तो ये सब तो मुझे पता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो लोग मेरा वो लोग देखते हैं वो उनके यहाँ कौन सा वाला त्यौहार मनाया जाता है। ये वाला उत्तरायण मनाई जाती है, पोंगल बनाया जाता है, लोहड़ी बनाई जाती है, उत्तरायण मनाई जाती है, ये मुझे नहीं पता। इसीलिए सबको हर तरीके से विश कर दिया मैंने। और देवो एकदम रेडी हो चुका है आज, एकदम स्माइल। देवो हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी उत्तरायण। नमस्ते करते सबको इधर। गुड मॉर्निंग। देवो स्कूल जा रहा है? या स्कूल छोड़ दिया है, फटाफट मॉल में जाते हैं, थोड़ा सा सामान लेना है। तो अभी आज सुबह सुबह शॉपिंग हो जाएगी मेरी, तो मिल्क लेना था तो ले लिया है, तो साथ में थोड़ा सा आपको ऐसे ही टूर दिखा देते हैं सामान का। तो ये सारा चीज़ का सेक्शन, सुनेम लगा हुआ है कृष्ण जी का। और कुंजू भी चली गई, उसकी मम्मा जी तो लेके चले गए, लेकिन कल वापस आ जाएगी दोपहर में। क्या देखना है आपको? ओके, तो बाकी सब गए हैं शॉपिंग करने के लिए। ओ चल ले लिया। अब बता देवू को क्या देखना है इधर से? कह रहे गोदी ले लो, गोदी तो गोदी में तो ले लिया, लेकिन कब तक देवू गोदी में रहेगी भैया? वो गीला है, नहीं छोड़ो। और तुलसी जी में तोड़ लोगे क्या तुम? तोड़ूंगा। नहीं भैया, अरे तुम्हारा श्री कृष्ण खत्म हो गया, दूसरा कौन सा लगाना है? चलो चलो भाई, जैसे मैं बाहर आ गई तो पीछे पीछे आ गया, वो भी जिद कर रहा था जाने के, लेकिन उसको गाना लगा दिया कृष्ण जी वाला और शंकर जी का, शिव जी वाला, तो उसको ये वाले बहुत गाने पसंद है, तो वो रोज सुनता है, तो अभी वो लगा दिए, तो वो देख रहा है कब से, सुनने में लगा हुआ है। तीनों बच्चों के साथ खेला, उस वक्त शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि तीनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, तो इसीलिए कल भी आएगी, तो कल भी देखेंगे देवू की मस्ती। देवू बहुत ही इंजॉय, बहुत ही खुश हो गया था उसको देख के एकदम।